ओ, स्वागत है दोस्तों जीएस एकेडमी पर। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, अपन रस पढ़ रहे हैं, जिसमें अपन रस के अंग को पढ़ चुके हैं। विभाव देखा, अनुभाव, संचारी भाव, स्थाई भाव, अच्छी तरह से अपन ने डिस्कस किया इस पर। अब उसके बाद फिर रस के भेद देखे। रस के भेद में अपन श्रृंगार रस को पढ़ चुके हैं। श्रृंगार रस के दोनों भेद, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, ये दोनों चीज़ अपन पढ़ चुके हैं। आज जो दूसरा रस है अगला, वो है हास्य रस। ठीक है, क्या है? हास्य रस। तो चलिए इसको देखते हैं। हास्य रस, इसका स्थाई भाव क्या होता है? हास। हास का मतलब होता है हंसी, यानी हंसना। ठीक है, तो इसका स्थाई भाव क्या है? हंसना या हंसी। अब इसकी परिभाषा क्या होती है? इसकी परिभाषा होती है, किसी दृश्य को देखकर या किसी काव्य पंक्ति को सुनकर मन में हंसी उत्पन्न हो, वहाँ हास्य रस होता है। ठीक है, जब हम कोई ऐसा दृश्य देख लें, जैसे हम किसी जोकर को देख लें, जोकर का शो देख लें, तो क्या होता है? मैं वो दृश्य को देखकर हंसी उत्पन्न होना, या काव्य पंक्ति को पढ़कर, कुछ हम काव्य पंक्तियाँ ऐसी पढ़ लें जिसको देख सुनकर भी मन में हंसी उत्पन्न हो, तो वो कहाँ आता है? हास्य रस में आता है। जैसे आप कपिल शर्मा का शो देखते हो, वो भी एक हास्य रस का उदाहरण है। क्या है? हंसी। ठीक है, उदाहरण से समझते हैं। ऐसी वाड़ी बोलिए कसकर झगड़ा होए, आपने ये दुआ तो अच्छी तरह सुना होगा कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करो आप शीतल होए। लेकिन इसी का अपन ने अब इसको हास्य रस में बदलने के लिए इसको बदल दिया है। क्या बोल दिया है? कि ऐसी वाणी बोलिए, कैसी? कि कसकर झगड़ा होए, मतलब दूसरों में झगड़ा होए, उससे ना टकराइए जो आपसे तगड़ा हो, और कभी भी उससे मत टकराइए, उससे मत लड़ो जो आपसे तगड़ा हो। इसका मतलब हमने क्या, दोहे को चेंज करके एक हंसी खुशी वाला, जिसमें हंसी उत्पन्न हुआ, ऐसा काव्य पंक्ति बना दिया है। देखिए, कोई भी कभी भी ऐसी शिक्षा तो देगा नहीं जिससे ऐसा लगे कि झगड़ा होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये हंसने के लिए एक पंक्ति बनाइए कि ऐसी वाणी बोलिए कसकर झगड़ा होए, और उससे ना टकराइए जो आपसे तगड़ा होए। ठीक है, तो ये एक हास्य रस का ही उदाहरण है। दूसरा देखो, कहा बंदर ने बंदरिया से, चलो नहाने गंगा, बच्चों को छोड़ेंगे घर पर, होने दो हुड़दंगा। ठीक है, मतलब बंदर ने क्या कहा है बंदरिया से? गंगा नहाने चलते हैं अपन तो, और बच्चे, बंदर ने बोला, वो सॉरी बंदरिया ने बोला कि बच्चों का क्या होगा, बच्चों को साथ ले चलते हैं। तो फिर बंदर ने कहा कि बच्चों को घर पर ही छोड़ते हैं, लड़ेंगे तो आराम से लड़ते रहेंगे, क्या दिक्कत है, अपन तो कहाँ जा रहे हैं? गंगा नहाने। तो यहाँ पर बोला बच्चों को छोड़ेंगे घर पर, होने दौड़ दंगा, यानी कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता कि लड़ाई हो। लेकिन यहाँ पर चूंकि ये हास्य रस का उदाहरण, तो हंसने के लिए एक पंक्ति बना दी गई है कि होने दो हुड़दंगा, हुड़दंगा वही लड़ाई। ठीक है, तो इससे याद रखिए। अगला जो अपना रस है वो है करोड़ रस। करोड़ रस का क्या होता है? स्थाई भाव होता है शोक। ठीक है, करोड़ रस का स्थाई भाव क्या है? शोक। यानी ऐसी परिस्थितियाँ जिनसे शोक, शोक क्या होता है? दुख, दुख उत्पन्न हो, वहाँ कौन सा रस होता है? करोड़ रस होता है। देखिए, कोई भी ऐसी घटना हो जाए, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कोई घायल हो जाए, किसी को कोई चोट लग जाए, यानी दुख की परिस्थितियाँ जहाँ आती हैं, वो कौन सा है? करोड़ रस है। ठीक है, देखिए उदाहरण से समझिए। शोक विकल सब रोब ही रानी, रूप शील वल तेज बखानी। इसका मतलब क्या है कि जब आपको पता होगा कि श्री राम का जब वनवास हुआ था, क्या वनवास हुआ था, तो जैसे ही वो वन को गए, तो उनके वियोग में क्या हुआ कि राजा जो दशरथ थे, यानी दशरथ जी, वो स्वर्ग सिधार गए। ठीक है, तो हुआ क्या, जब जैसे स्वर्ग सिधार गए, तो आप जानते हो जब किसी, कोई भी घर हो, किसी भी परिवार में कोई ऐसा दुख की परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है, किसी की मृत्यु हो जाए, तो फिर उसमें शोक का क्या आलम रहता है, किस प्रकार की परिस्थितियां रहती हैं, आप समझ सकते हो। तो ये उसी का वर्णन है कि शोक विकल सब रोब ही रानी, यानी दुख में विकल होकर, विकल यानी बहुत बुरी हालत में, विकल होकर सब रोब ही रानी। सब इसलिए लगाया है क्योंकि राजा दशरथ की आपको पता तीन रानियां थीं। ठीक है, तो सब रोब ही रानी, रूप शील बल तेज बखानी। ठीक है, यानी कैसे रो रही हैं, रोते रोते वो बखान कर रही हैं। किसका बखान कर रही हैं? उनके रूप का, उनके शील का, यानी इस शील का मतलब होता है ना सादगी, कितने सादगी पूर्ण व्यक्तित्व था। ठीक है, बल यानी कितने बलशाली थे कि चारों ओर उनकी ध्वजा
फहरा रही थी। एक चक्रवर्ती सम्राट थे, तेज यानी तेज जैसे बल होता है उसी प्रकार तेज होता है कि किसी के शौर्य कहाँ तक जा रहा है, जो आसपास के गाँव जो शहर हैं अन्य राज्य हैं उनमें कौन लोग उन्हें जानते हैं, तो ये होता है उनका तेज शौर्य फैलना जैसे बोलते हैं, ठीक है। प्रसिद्धि बखान यानी बखान कर करके, कर ही विलाप अनेक प्रकारा, अनेक प्रकार से विलाप कर रही, विलाप करना वही रोना, ठीक है। कर ही विलाप अनेक प्रकारा, पर ही भूमितल बार ही बारा, भूमितल यानी जमीन पर बार बार पड़ रही हैं, उठ रही हैं और बार बार भूमितल यानी जमीन पर गिर रही हैं। तो इस प्रकार की हालत है कि शोक में विकल होकर, बुरी हालत में होकर, दुख के कारण तीनों रानियां रो रही हैं। रो वही रानी रूप, उनके रूप को, उनके गुण जो प्रसिद्धि है उसको, उनके बल, उनके शौर्य को बखान कर करके रो रही हैं। कर रही विलाप अनेक प्रकार, अनेक प्रकार के विलाप कर रही हैं, अनेक प्रकार से रो रही हैं, कोई उठकर, कोई बैठकर, ठीक है। तो इस प्रकार, लेकिन क्या हो रहा, पर ही भूमितल बार ही बारा, वो उठती हैं और बार बार धरती पर, जमीन पर गिर जाती हैं, इतने दुख की विकट परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई हैं। तो ये क्या है, करुण रस का उदाहरण है, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये रस आपको समझ में आया होगा। तो आज मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि आपके लिए इसी प्रकार की छोटी शॉर्ट वीडियो बनाई जाएं या फिर थोड़ी लॉन्ग वीडियो चलेंगी, जिससे अपन अगली वीडियो, अगले अलंकार जो भी हैं, जितने भी बचे हैं अपने, उनको ख़त्म कर सकें। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है, उस हिसाब से अपन अगली वीडियो बनाएंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और जो भी आपको डाउट हो, किसी प्रकार की कोई क्वेश्चन हो, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर टेलीग्राम चैनल पर भी पूछ सकते हो। आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, ठीक है। आप जानते होंगे इससे पहले हमारी दो वीडियो अलंकार पर ऑलरेडी हो चुकी हैं, जिसमें पहली वीडियो हमने रस के अंग पढ़े, रस की परिभाषा देखी, दूसरे में श्रृंगार रस को देखा, श्रृंगार के दोनों भेद, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, ठीक है। तो उन वीडियो को भी आप देखिए, क्योंकि जब पहली वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि स्थायी भाव क्या होता है, विभाव क्या होता है, अनुभाव क्या होता है, संचारी भाव क्या होता है। तो उन सबसे ही आपको आगे की जानकारी मिलेगी कि हम रस पढ़ते क्यों, क्या रस में रस होते क्या हैं, क्यों रस पढ़ रहे हैं, रस का आखिर क्या महत्व है, ठीक है। तो वो पहली वीडियो देखिए आप। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, अच्छे से आप सिलेबस को तैयार करें अपने को, ठीक है। नोट्स की टेंशन ना लें, अपने स्तर पर आप बनाते चलें नोट्स, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगी मैं कब वीडियो डालता हूँ, तो उसकी जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ठीक है। तो आशा करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और किसी प्रकार का कोई डाउट वगैरह हो तो आप पूछ लेना, ठीक है। धन्यवाद।